तेरा बाप आया। सो जी हां गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बार फिर डीएमडी गेमिंग में। और आज का टॉपिक वापस से वन वर्सेस वन प्रतीक स्मार्ट और वैम्पायर का होने वाला है। तो जी हां गाइस, हम करते हैं वीडियो स्टार्ट, तो देख लीजिए, मजे कर लीजिएगा गाइस। आज का हम वीडियो वापस से एक और बार फिर प्रतीक स्मार्ट और वैम्पायर का, और जो कि होने वाला है एक रीमैच। वो रीमैच बोलते हैं ना, प्रतीक स्मार्ट हारे थे तो प्रतीक स्मार्ट बहुत बुरा लगा कि सर जी मैं हारा कैसे। तो इसके लिए अब होने वाला है वापस से रीमैच प्रतीक स्मार्ट वर्सेस वैम्पायर का। और आज प्रतीक स्मार्ट ओरिजिनल कपड़े पहन के आया, एकदम रोबोट लग रहे हैं सर जी, रोबोट लग रहे हैं एकदम, मतलब क्या ही फॉर्म में डुक्कर लेकर आए सर जी। सर जी डुक्कर लेकर आए, हमारा पांडा लेकर आए सर जी, और वैम्पायर साहब एकदम ओपी वाले। और आज जो डेजर्ट ईगल और ग्लूवॉल की चलने वाली है ना गेम, मजा आ जाएगा। वैम्पायर साहब ऑफलाइन लग रहे सर जी, क्या लगता है, क्या गन लेकर जा रहे या ऐसे ही जा रहे? गन ली है प्रतीक स्मार्ट ने भी, गन ली। और वन वर्सेस वन का आज का ये जो मजा होने वाला है ना सर जी, एकदम ओपी वाला मजा होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो डीएमडी गेमिंग को। और आज का ये जो वीडियो होगा ना, बहुत ही इंसेन वाला वीडियो होगा। रीमैच जिसको बोलते हैं ना सर जी, वापस से बदला लेंगे, प्रतीक स्मार्ट बदला लेने को आए हैं। और वैम्पायर, क्या लगता है वैम्पायर, आज चैलेंज किया प्रतीक स्मार्ट ने वैम्पायर को। और वैम्पायर का गेम प्ले अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, पिछले बार 7-1 से हराया था सर जी, 7-1 से हराया था, बाप आया था पिछले बार, सबका बाप आया था सर जी। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं ना सर जी, आप लोग वीडियो देख लो, बहुत इनसेन वाला वीडियो था। आपको थोड़ी वॉल्यूम सुना देता हूँ सर जी, में थोड़ा गेम की वॉल्यूम भी सुना करो ना सर जी, मज़ा आ जाएगा ना सर जी। ऐसा क्या है, अभी अगर आप देखते हैं ना, बहुत खतरनाक वाला गेम प्ले होने वाला है, बहुत ही खतरनाक वाला गेम प्ले सर जी। वो जो मज़ा आएगा ना सर जी आप लोगों को आज के वीडियो में, देख लेना। और अगर आप देखते हैं ना, ओ पी ग्लूवॉल, ओ भाई साहब प्रतीक स्मार्ट के नशे सर जी, प्रतीक स्मार्ट के नशे, एकदम ओपी वाले नशे आप देख सकते। रानी मेरे साथ माल फोक फोक ले, थाम तेरी कमर धुएं के फिर घोट ले, सांसों से चढ़ेगी तू कष्ट लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले, चंदन ये बदन मत कर तू जतन, हम दम मेरे संग टूरी मैं तू पतंग। जबरदस्त वाले नशे किए प्रतीक स्मार्ट ने भाई साहब, क्या ग्लूवॉल लगाए सर जी, एकदम ओपी। अरे भाई साहब वैम्पायर साहब सामने, वैम्पायर साहब सामने, और क्या ही ग्लूवॉल लगा है सर जी, जबरदस्त। अरे बाप रे भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्या ग्लूवॉल है सर जी, पीछे देख लीजिए प्रतीक स्मार्ट, ग्लूवॉल आप ज्यादा टाइम के लिए लगा नहीं सकते। और अगर आप देखते हैं वैम्पायर के लिए जोन आ चुका है, वैम्पायर आप भागे, सामने सामने मैच होने वाली है, अब होने वाली है इस मैच सामने सामने, एक वैन का डिफरेंस है बस। और यहाँ पे बहुत खतरनाक गेम प्ले, बहुत ज्यादा खतरनाक गेम प्ले। अरे भाई साहब अरे भाई कसम, मैच खत्म, मैच खत्म सर जी, क्या ही गेम था गाइस, क्या ही गेम था, मजा आ गया। प्रतीक स्मार्ट क्या खेले सर जी, रोबोट का ड्रेस पहन कर आए ना सर जी, मैं तो तब से इनका फैन हो गया, बोला कि भाई क्या ड्रेस पहन कर आए, एकदम ओपी वाला। और किल देखिए ना सर जी, किल अगर आपको देख के मजा आया ना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो डीएमडी गेमिंग को, क्योंकि ऐसे किल प्रतीक स्मार्ट ही मार सकते हैं सर जी। क्या किल मारा है डेजर्ट ईगल का, मतलब एकदम फॉर्म यार, फॉर्म बोलते हैं ना, फॉर्म खतरनाक वाला, जहरीला कतई जहर। और अगर आप देखते हैं वैम्पायर ने भी थॉम्सन लिए, प्रतीक स्मार्ट ने भी थॉम्सन लिए, थॉम्सन वर्सेस थॉम्सन, इसको बोलते हैं ओपी वाला गेम प्ले, क्योंकि वैम्पायर का अगर आप गेम प्ले देखते हैं ना, थॉम्सन उनकी फेवरेट गन है, वैम्पायर की थॉम्सन फेवरेट गन है गाइस, थॉम्सन फेवरेट गन है, कुछ भी हो सकता है गाइस, देख लीजिएगा गेम प्ले, देख लीजिए ओपी ग्लूवॉल, प्रतीक स्मार्ट की ओपी ग्लूवॉल, और क्या ग्लूवॉल लगे सर जी, एकदम ओपी। और कैरेक्टर का ये जो ड्रेस है ना सर जी, मज़ा आ गया। और वापस से 360 की ग्लूवॉल, और वापस से इस बार तो बीच बीच में लगाया जोन, और वैम्पायर को शायद समझ गया उन्होंने 360 लगाया,
देखते हैं वैम्पायर क्या रश मारेंगे। वैम्पायर रश मारेंगे शायद से, उनको भी पता है और प्रतीक स्मार्ट को भी पता है कि वो रश मारेंगे। ओ भाई साहब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, ये प्रतीक स्मार्ट बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं और वैम्पायर बहुत क्लोज आ रहे हैं इनके, क्षण क्षण में क्लोज आ रहे हैं। एक क्षण में एक ग्लूवल एकदम ओपी वाली, और ग्लूवल से कन्फ्यूज़ करेंगे। अब प्रतीक स्मार्ट को लगेगा कि वो कौन से ग्लूवल पे, लेकिन उनको मालूम है क्योंकि वो बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रतीक स्मार्ट और वैम्पायर की ओपी वाली ग्लूवल। ग्लूवल लग रही है, 3-4 ग्लूवल लग रही है। अब मज़ा आने वाला है क्योंकि प्रतीक स्मार्ट सिर्फ गेम प्ले देख रहे हैं और ओपी वाली ग्लूवल खोल दी अपनी। ग्लूवॉल खोल दी सर जी, प्रतीक स्मार्ट ने ग्लूवॉल खोल दी। लगता है मैच 1v1 का होने वाला है, एकदम खतरनाक वाला गेम प्ले होने वाला है। दोनों आमने सामने आने वाले, एकदम इनसेन वाला गेम प्ले होने वाला है। दोनों आमने सामने सर जी, दोनों आमने सामने। अब मजा आएगा गेम में, बहुत खतरनाक गेम प्ले होने वाला है सर जी, बहुत ही इनसेन गेम प्ले होने वाला है। आप बस गेम प्ले देख लीजिए, तब तक देखिए प्रतीक स्मार्ट अभी पीछे से आने वाले। वैम्पायर को भी पता है, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। और वैम्पायर क्या कर रहे हो सर जी, सर जी क्या कर रहे हो, ये क्या गेम प्ले दिख रहा है सर जी आज? आज लग रहा है वैम्पायर का हाथ नहीं बैठ रहा है सर जी। प्रतीक स्मार्ट ने क्या ही ओपी मारा है इस बार, बहुत जबरदस्त गेम प्ले दिखा रहा है प्रतीक स्मार्ट। पिछले मैच का बदला बोलते हैं ना, पिछले मैच का बदला निकाल रहा है, एकदम क्रोधित हो चुके, एकदम आग बबूला हो चुके, एकदम पानी सिर के ऊपर चले गए। गाइस मुहावरे बहुत आते हैं हमको, लेकिन हम ज़्यादा बोलते नहीं सर जी, क्योंकि प्रतीक स्मार्ट का गेम प्ले देखकर मुहावरे हमको आने ही है, क्योंकि क्या गेम प्ले दिखा रहे हैं ना सर जी, एकदम खतरनाक कत्ते ही जहर वाला। मज़ा आ गया इनका गेम प्ले देखकर। और वैम्पायर साहब आज आप क्या करेंगे, 2-0 से आप लीड खो चुके हैं वैम्पायर साहब, आज आपको जीतना पड़ेगा। आज अगर आप वैम्पायर साहब हार गए तो मज़ा नहीं आएगा सर जी, वैम्पायर साहब आज अभी सीरियस होना पड़ेगा आपको, ओरिजिनल गेम प्ले दिखाना पड़ेगा एकदम जबरदस्त वाला। और प्रतीक स्मार्ट अगर आप देखते हैं ना, बहुत ओपी रोटेशन मार रहे सर जी, रोटेशन प्रतीक स्मार्ट की, और रोटेशन क्या होगी वैम्पायर की। रुके सर जी रुके, प्रतीक स्मार्ट रुके वैम्पायर के आने के लिए, और वैम्पायर सर जी ऊपर जा रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रिक मैच जिताने की है, बहुत अच्छी ट्रिक है। जोन गेम प्ले आपको अगर करना है तो आप ऊपर जाके बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। और प्रतीक स्मार्ट अगर आप देखते हैं तो अभी वो भी आएंगे बाहर। अब देखते हैं क्या होगा गेम प्ले, क्योंकि प्रतीक स्मार्ट रुके हुए रोटेशन करके देख रहे हैं कि आदमी है किधर। और वैम्पायर को शायद लगता है, वैम्पायर को दिखना चाहेंगे, वैम्पायर जहाँ पे आप जा रहे हैं ना वो गलत जगह होगी, आपको पीछे देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या प्रतीक स्मार्ट वहाँ से आएंगे। सर जी वैम्पायर नीचे गिर गए, सर जी वैम्पायर नीचे गिर गए, क्या सोच के वैम्पायर नीचे गिरे सर जी, क्या लगता है आपको? लेकिन वापस से मन बदला वैम्पायर ने, वापस से मन बदला, अब वापस से ऊपर जाएंगे। बहुत अच्छा गेम प्ले। ओ भाई साहब मतलब ब्लॉक किया तो किधर किया है, सीधा सीढ़ियों पे, सीढ़ियों पे 360 सर्कल। ओपी नशे, ओपी नशे, बहुत खतरनाक वाले नशे। रानी मेरे साथ, माल फोक फोक ले, थाम तेरी कमर, धुए के फिर घुट ले, सांसों से चढ़ेगी तू, कश तो लगा ले यारी, दम बोले दम का, हम मजा। 360 का सर्कल बना दिया है और वो भी किधर, सर्कल पे, सीढ़ियों पे सर्कल, ओपी वाला। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं लोकेशन पता चल गया वैम्पायर को प्रतीक स्मार्ट का, और अगर लोकेशन पता चल गया तो मैच बहुत खतरनाक वाला, ओपी वाला, इनसेन मैच होगा। और प्रतीक स्मार्ट को ये नहीं पता कि वैम्पायर ऊपर है, वैम्पायर ऊपर है। प्रतीक स्मार्ट इस बार आप ऊपर देख लीजिए, मैं बोलूँगा ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर देखोगे तो आपको फैन का पंखे का हवा नहीं दिखेगा सर जी, आपको वैम्पायर की हवा दिखेगी। आप बस ऊपर देख लीजिए, और जोन आ रहा है प्रतीक स्मार्ट, संभालिए जोन आ रहा है, वैम्पायर नीचे गिर गया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओ भाई मैच खत्म, एक गोली के बचे थे वैम्पायर साहब जी, एक गोली के बचे थे वैम्पायर। देख लीजिए क्या ही ओपी गेम प्ले इस बार, वैम्पायर का कमबैक वापस से होता हुआ, एकदम इनसेन वाला गेम प्ले। 2-1 का स्कोर और वैम्पायर ने क्या ही ओपी मारा, एकदम जबरदस्त खतरनाक वाला कत्ते ही जहर। और प्रतीक स्मार्ट सर जी कौन सी गन लेंगे अभी आप मेरे को बताइए। ओ भाई साहब प्रतीक स्मार्ट की शॉटगन सर जी, प्रतीक स्मार्ट की शॉटगन आ चुकी है। और जैसे ही शॉटगन आती है ना प्रतीक स्मार्ट की, एनिमी कहाँ पर जाता है, एनिमी ऐसा बोलता है सर जी मैंने शॉटगन ली क्यों, मैंने शॉटगन ली क्यों। प्रतीक स्मार्ट अगर आज आपकी शॉटगन नहीं चलेगी तो आप ये डायलॉग मत बोलना कि मैंने शॉटगन ली क्यों
सर जी शॉटगन लिए तो आपको चलाने को तो एकदम ओपी वाली आनी चाहिए, ग्लू वॉल लगा के आ रहे हैं बहुत ओपी, और वैम्पायर साहब भी ग्लू वॉल लगाकर एकदम ओपी वाला गेम प्ले दिखाते हुए 2-1 का स्कोर है, और कुछ भी हो सकता है मैच के बीच में। आप बस मैच को देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहेगा डीएमडी गेमिंग में। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो ना, वे लोग सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, फ्री का रहता है सर जी, आप पैसे नहीं भर रहे हो सब्सक्राइब के, आपको फ्री का सब्सक्रिप्शन आप अगर हमें देंगे तो हमें दिल से बहुत अच्छा लगेगा। गेम प्ले देखिए बहुत ओपी वाला दोनों आमने सामने, और अगर दिल से अच्छा लगता है ना सर जी अगर आप सब्सक्राइब करते तो सपोर्ट करते तो, और अगर आप देख रहे हैं ना वैम्पायर रश मारेंगे, क्या लगता है वैम्पायर रश मारेंगे, क्योंकि प्रतीक स्मार्ट रश मारेंगे, दो गोली चुकेगी और मैच सब समाप्त हो जाएगी। वैम्पायर का ओपी रश ओ भाई साहब, एक गोली पड़ी, रीलोड का इशू। मैच होने वाली है समाप्त, मैच वापस से समाप्त। रीलोड का इशू जब भी होता है वैम्पायर मैच खत्म कर देते हैं। सर जी प्रतीक स्मार्ट रीलोड अगर आपका इशू हो रहा था, जैसी आपने दो गोली लगाई, आपने ग्लू वॉल क्यों नहीं लगाई सर जी, पिछले बार भी आपकी यही मिस्टेक थी। प्रतीक स्मार्ट अगर आपका शॉटगन का रीलोड होता है तो आपको उसी क्षण आपको ग्लू वॉल लानी चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हो। ये आप अगर नहीं करेंगे तो आप हारेंगे ना सर जी, अगर आप ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे तो आप वीडियो में कैसे बन पाएंगे, कैसे टिक पाएंगे सर जी। प्रतीक स्मार्ट मजाक मत कीजिएगा। और वैम्पायर अगर आप देखते हैं ना, वैम्पायर का ओपी गेम प्ले दिखता हुआ शॉटगन से भी बच गए, और क्या ओपी गेम प्ले दिखा रहे हैं ना थॉमसन का, एकदम जबरदस्त वाला, खतरनाक कतई जहर, मजा आ गया। और अगर आप देख रहे हैं प्रतीक स्मार्ट ओपी गेम प्ले दिख रहा है इनका भी, इस बार रुके एक जगह पर, ट्रक के पीछे रुके और थोड़ा सा स्पेक्टेट करेंगे, थोड़ा सा इंस्पेक्ट करेंगे, आदमी किधर से आएगा ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखते ना वैम्पायर साहब अपना ओपी गेम प्ले दिखा रहा है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वैम्पायर साहब को मालूम है कि करना क्या है, वैम्पायर क्या करेंगे। ओ भाई साहब वैम्पायर संभल के, क्योंकि प्रतीक नवले को पता है, प्रतीक स्मार्ट को पता है आप किधर है, लेकिन प्रतीक स्मार्ट चलाएंगे नहीं क्योंकि उनके पास शॉटगन है सर जी, शॉटगन है। अब लगता है वैम्पायर को बचे रहना पड़ेगा, ट्रक के पीछे देख लीजिए वैम्पायर साहब ट्रक के पीछे देख लीजिए सर जी, उधर नहीं सर जी। अब लगता है गेम इज़ ऑन, इशारा देते हुए प्रतीक स्मार्ट की वैम्पायर को इशारा, बहुत अच्छा इशारा मिल गया, एक बार बहुत अच्छा ग्लू वॉल आके इशारा दिया है, और वैम्पायर अब रोकेंगे क्योंकि अब लगता है प्रतीक स्मार्ट रश मारने वाले। सर जी प्रतीक स्मार्ट रश डाली, मारते नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है मार सकते हैं, होल्ड किया है प्रतीक स्मार्ट ने ग्लू वॉल के पीछे होल्ड किया है, और वैम्पायर अभी रश मारेंगे सर जी, वैम्पायर रश मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पीछे से अटैक करेंगे, बहुत महंगा पड़ सकता है प्रतीक स्मार्ट को, और शायद से रश होने वाली है, देख लीजिएगा, एक ग्लू वॉल का फर्क है सर जी, एक ग्लू वॉल का फर्क है, और यहाँ पर दो गोली मिस। अब चले ये और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है वैम्पायर। अरे बाप रे, अरे भाई साहब, इस बार प्रतीक स्मार्ट ने क्या मारा है सर जी, क्या मारा है वैम्पायर साहब, आपको शायद लेट हो गए, आपको कवर नहीं लेना चाहिए था, आपको चार्ज लेनी चाहिए थी अपनी गोली, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इस बार ओपी गेम प्ले दिखता हुआ प्रतीक स्मार्ट का बहुत खतरनाक, बहुत जहरीला, और क्या मारा है प्रतीक स्मार्ट क्लोज रेंज में, क्या शॉटगन चले ना सर जी, मज़ा आ गया। और वैम्पायर साहब अभी वैम्पायर साहब की भी शॉटगन सर जी, वैम्पायर साहब ने भी शॉटगन दी, अब मज़ा आएगा गेम प्ले में। 3-2 का स्कोर है, प्रतीक लीड कर रहे हैं, इस बार प्रतीक लीड कर रहे हैं 7-1 से, पिछले बार प्रतीक हारे थे, बहुत गंदा हारे थे प्रतीक, और इस बार लीड कर रहे थ्री टू से, और क्या लगता है आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या लगता है आपको, कैसा गेम प्ले होगा, कैसा वीडियो होगा, मुझे बताना ज़रूर। और प्रतीक स्मार्ट अगर आप देखते हैं ना, अभी अगर आप अच्छे से खेलेंगे ना सर जी तो आप मैच जीत सकते, प्रतीक स्मार्ट अगर आया आप अच्छे से खेलोगे तो आप मैच जीत सकते हो। वैम्पायर साहब बताना चाहेंगे, ओ भाई रश मार दी वैम्पायर ने, ओपी वाली रश मारी है, और अब पीछे से हमला होगा, अब होगा हमला, इसको बोलते हैं गेम, मार दीजिएगा, रुकना मत, अब करिएगा रश। प्रतीक स्मार्ट मार रहे हैं मेडिकेट, फटाफट से आप रश मारिए, प्रतीक स्मार्ट के सामने शॉटगन है, लेकिन गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, लेकिन ओ भाई साहब, गाड़ी
ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, प्रतीक स्मार्ट, हैशटैग प्रतीक स्मार्ट इन द चैट गाइस, हैशटैग प्रतीक स्मार्ट इन द चैट। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो जो लोगों ने ये किल देखा ना सर जी, अभी डाल दीजिए प्रतीक स्मार्ट इन द चैट गाइस। खतरनाक, अनबिलीवेबल किल बोलते हैं ना, अनबिलीवेबल मोमेंट्स होते हैं ना गेम के, मेरे को तो ये गेम का आज का बेस्ट मोमेंट लगा था भाई। क्या मारा है सर जी, प्रतीक स्मार्ट का ओपी वाला शॉटगन चल रहा है आज। आज प्रतीक स्मार्ट की शॉटगन चल रही है। और वैम्पायर, अब आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब भी एक और राउंड अगर आपके हाथ से चले गया ना सर जी, तो मैच शायद फिसल जाएगी आपके हाथ से। वैम्पायर साहब जी, अब आपको सीरियस होके गेम खेलना पड़ेगा, अपना गेम प्ले दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आप हार गए ना सर जी, मजाक हो जाएगा। सर्कल सर्कल 360 लगा दिया है प्रतीक स्मार्ट ने, इसको बोलते हैं 360 सर जी, क्या ही ग्लूवल लगाई है। वैम्पायर क्या करेंगे, हर राउंड में प्रतीक स्मार्ट 360 लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको क्या पाओ मेरे 360 के सर्कल के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन है ओरिजिनल प्लेयर। और प्रतीक स्मार्ट अगर आप देखते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसा भी गेम प्ले दिख सकता है प्रतीक स्मार्ट का। वैम्पायर ने शायद रश मारी, वैम्पायर अभी रश मारेंगे, पीछे से मारेंगे ऐसा लग रहा है। गैप उनको दिखा है, 360 के बीच में गैप दिखा है, लेकिन क्या क्या लगता है सर जी आप लोगों को, अभी शायद मारना चाहिए, अभी शायद मारना चाहिए वैम्पायर साहब। अगर आपको मौका मिलता है तो आपको मार देना चाहिए प्रतीक स्मार्ट को, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है अभी ये गेम प्ले को, ज़्यादा समय नहीं बचा है सर जी। अगर आप हारे ना तो महंगा पड़ेगा आपको, अगर आप हारे तो महंगा पड़ेगा। प्रतीक स्मार्ट आप ओपी वाला गेम प्ले दिखा रहे हैं, प्रतीक स्मार्ट एकदम ओपी वाला गेम प्ले दिखा रहे हैं। मैच में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, आप लोग देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। और यहाँ भाइयों बहनों, ये चुनाव उस बात का नहीं है मेरे भाइयों बहनों। यहाँ पर वापस से गेम वैम्पायर ने खत्म करते हुए मैच, वैम्पायर ने मैच खत्म कर दी ओपी वाली वैम्पायर का किल। यहाँ पर वैम्पायर इन द चैट गाइस, अब भी डाल दीजिए हैशटैग वैम्पायर, क्योंकि मैच हर राउंड में बदल रहा है सर जी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही प्लेयर जीतेगा ये गेम, मैच कभी भी पलट रहा है, कभी इस साइड पे पलट रहा है, कभी उस साइड पे पलट रहा है, वक्त पलट रहे है, जज्बात बदल रहे है, जुनून पलट रहे है, हर राउंड में पलट रहे है। आप लोग ऐसा सोचिएगा मत कि वन साइडेड मैच है सर जी, DMD गेमिंग में हम वन साइडेड मैचेस नहीं दिखाते, हम हमेशा दिखाते हैं कड़क वाले गेम, एकदम ओपी वाले गेम। इसके लिए गाइस मैं आपको बोलता हूँ ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे गेम प्ले आपको इधर ही दिखेंगे। और प्रतीक स्मार्ट जैसा आज खेल रहे हैं ना, लगता नहीं है मुझे कि प्रतीक स्मार्ट इतना अच्छा ओपी वाला खेलते हैं, क्योंकि हीरोइक पे है सर जी, प्रतीक स्मार्ट हीरोइक पे। और शायद से वैम्पायर ने क्या रश मारी है, प्रतीक स्मार्ट की ओपी वाली ग्लोवल लगनी तो चाहिए, क्योंकि वैम्पायर अगर ओपी वाला ब्लॉक, ओ भाई साहब इसको बोलते हैं डबल प्रोटेक्शन, और ओपी वाला दिमाग लगाएंगे प्रतीक स्मार्ट, एक जगह जान पूछ के खोल के रखी है, क्योंकि प्रतीक स्मार्ट को मालूम है आदमी आएगा उधर से ही, इसके लिए खोल के रखी है एक जगह। और वैम्पायर अगर आपके पास थोड़ा सा अगर वो होगा ना, गेम प्ले का स्किल्स हो गए, तो आप रश नहीं मारेंगे अंदर, देखते हैं क्या होता है, कभी भी होगा, कुछ भी होगा, कैसे भी होगा। और सर जी लगता है वैम्पायर को समझ गए, जिस घर के बाहर वैम्पायर खड़े हैं ना, उस घर के अंदर ही प्रतीक स्मार्ट है सर जी। अब होगा गेम प्ले, अब होगा मज़ा, देख लीजिएगा, पीछे भी देख लीजिएगा भाई साहब, दोनों एक दूसरे के पास, और बहुत अच्छा, बहुत डैमेज पड़ते हुए वैम्पायर बच के खिलिएगा, आपने रश किए वैम्पायर, रुक जाइए, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, देखिए गेम दो गोली के, अरे भाई साहब, प्रतीक स्मार्ट बचे थे दो गोली के, वैम्पायर साहब शायद से आज आपकी एक्यूरेसी नहीं दिख रही क्लोज रेंज में सर जी, जंप एंड शूट आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं दिख रही, वैम्पायर साहब का एक्यूरेसी आज थोड़ा सा डाउन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वैम्पायर अपना ओरिजिनल गेम से नहीं दिखा रहे, और अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आप हार जाएंगे प्रतीक स्मार्ट से सर जी। वैम्पायर सर जी आप बस अपना ओरिजिनल गेम प्ले दिखा दीजिए, हमको मज़े आने चाहिए, हमको बहुत ओपी वाले, बस आप अपना ओरिजिनल गेम प्ले दिखा दीजिए, और हमारे फैंस को एंटरटेनमेंट दिखा दीजिए, अपना कमबैक दिखा दीजिए सर जी। 5-3 है,
अगर आप 6-5 कर देंगे ना वैम्पायर साहब, मजा आ जाएगा। और प्रतीक स्मार्ट तो अपना ओरिजिनल गेम प्ले दिख रहे, प्रतीक स्मार्ट का बहुत अच्छा ओरिजिनल गेम प्ले इनका दिख रहा है, बहुत मजा आ रहा है इनका मैच देखने को प्रतीक स्मार्ट, क्योंकि ओरिजिनल कपड़े भी पहन कर आए एकदम रोबोटिक वाले, और इससे इनका मैच भी आज हमको बहुत ओपी वाला मैच देखने को मिल रहा है। और ओपी वाला वापस से सराउंड कर दिया सर जी, वापस से 360, क्या हो रहा है। और ऐसे ही अगर गेम प्ले चलता रहा तो वैम्पायर को कठिनाइयां आ जाएगी, क्योंकि हर राउंड में प्रतीक स्मार्ट 360 दिखा रहे हैं। ओ भाई साहब लेट गए, ओ भाई साहब सस्ते नशे सर जी, लेट गए सीधा। ओ भाई साहब ओपी ओपी ग्लू होल। और प्रतीक स्मार्ट यहां पर अभी ऑब्जर्व करेंगे कि आता किधर से है वैम्पायर, ये देखना होगा कि वैम्पायर खून चूसने प्रतीक का किधर से आएगा। ओ भाई साहब एकदम ओपी। और अगर आप देखते हैं ना वैम्पायर एकदम अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वैम्पायर को अगर ये मैच जीतने की है तो। आप सभी लोग मेरे को बता दीजिए, चैट में बताते रहिएगा कि क्या होता है गेम में, क्या होता है मेरे को बताइए कि आप लोग किसके साथ है, बता दीजिएगा, ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग किसके साथ है। अगर आपको ओपी वाली कमेंट्री सुनने को मिल रही है तो कमेंट्री के लिए भी डीएमडी गेमिंग को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर एडवांटेज था, वैम्पायर साहब आप क्या कर रहे हैं, वैम्पायर साहब आप कर रहे हैं क्या, आपके पास मौका था आपने फिर गवा दिया, शायद से 2-3 गोली पड़नी चाहिए थी। प्रतीक स्मार्ट मौका दे रहे हैं, आप मौका गवा रहे हो वैम्पायर साहब। वैम्पायर अभी तो मारिए, अभी तो मारिए सर जी, एकदम ओपी, एकदम ओपी ग्लूवल, ओपी ग्लूवल प्रतीक स्मार्ट की ओपी। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिएगा, ओपी डैमेज भाई साहब। मैच समाप्त होता हुआ, वैम्पायर का ओपी वाला किल, इसको बोलते हैं ओपी गेम प्ले, ओपी गेम प्ले एकदम जहरीला गेम प्ले, कतई जहर बड़ा वाला माल बुक किया है आज। आज सर जी एकदम बड़ा वाला कंपनी कौन सी है बता दीजिए वैम्पायर साहब, वैम्पायर साहब कंपनी कौन सी है सर जी, मेरे को भी लेने की है वो वाली, बता दीजिए सर जी, बहुत खतरनाक वाला गेम प्ले। और प्रतीक स्मार्ट अगर आप देखते ना, इस बार प्रतीक स्मार्ट ने भी थॉम्सन लिए सर जी, कुछ भी हो सकता है गेम प्ले में, बने रहिएगा मैच में आप सभी लोग बने रहिएगा, देख लीजिए कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप देख रहे हैं ना बहुत ही इनसेन सर जी, वैम्पायर अगर एक और राउंड जीत गए ना मैच होगा खलास, अगर वैम्पायर एक और मैच जीत गए ना सर जी तो मज़ा आएगा, क्योंकि 5 ऑल के बाद बहुत ओपी वाला गेम प्ले दिखता है। मेरे को लगता है एक झलक दिखी होगी सिर्फ प्रतीक स्मार्ट की जाते हुए, प्रतीक स्मार्ट रुके और इधर रुके, आप इधर रुक के करेंगे क्या सर जी, आगे जाइए, आगे जाइए, पीछे जोन में मत जाइएगा प्रतीक स्मार्ट, आगे ही जाना, पीछे जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर जी। और अगर आप देखते हैं ना वैम्पायर साहब एकदम ओपी वाला शायद से रश मार रहे प्रतीक पर, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी प्रतीक को एक झलक दिख गई वैम्पायर की, प्रतीक को वैम्पायर की झलक दिखते हुए अब शायद गोली चलाएंगे प्रतीक। यहाँ पर मैच बदलता हुआ, दोनों भी एक दूसरे को गोलियां मारते हुए, अरे भाई साहब तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वापस से प्रतीक स्मार्ट ने खत्म कर दी मैच 6-4, भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है सर जी, क्या गेम प्ले चल रहा है। प्रतीक स्मार्ट आज बहुत ही खतरनाक फॉर्म में लग रहे हैं सर जी, प्रतीक स्मार्ट का खतरनाक वाला फॉर्म, जैसा कि खेल रहे हैं ना प्रतीक स्मार्ट, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल अपना हीरोइक पे है क्यों, ये प्रूव करना चाहेंगे कि आज मैं हीरोइक पे हूँ। 7-1 का स्कोर तो वो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए था, मैं तभी रेडी नहीं था ऐसा बोलेंगे प्रतीक स्मार्ट, अब बोल रहे हैं कि अभी मैं रेडी हो गया हूँ। और सस्ते नशे, ये देखिए कितना बड़ा वाला गांजा फूक रहा है, एकदम खतरनाक वाला, देख लीजिए ना सर जी क्या ही दिखा रहे हैं हमको, अपने नशे दिखा रहे हैं ना कि हम कैसे नशे करते हैं, कितने बड़े वाले नशे करते हैं, ये दिखा रहे हैं प्रतीक स्मार्ट। प्रतीक स्मार्ट किसी से कम नहीं, आप बस गेम प्ले देखते रहिएगा। वैम्पायर अभी करेंगे इंस्पेक्ट, अभी करेंगे ऑब्जर्व, वैम्पायर को ऐसा लगता है अभी अगर प्रतीक स्मार्ट को जीतने को दिया ना सर जी मैच ही खत्म हो जाएगी ना, अगर वैम्पायर आज हार गए, ये वाली मैच हार गए तो शायद कमबैक, वो जो कमबैक किया है ना सर जी वो शायद से ख़त्म हो जाएगा। और आज बहुत जहरीला वाला गेम प्ले दिख रहा है हमको, दिख रहा है, दोनों भी पेशेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रतीक स्मार्ट यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतीक स्मार्ट क्या करेंगे सर जी, इस बार आपने ग्लू होल नहीं लगाई, इस बार आपका 360 किधर गया सर जी, प्रतीक स्मार्ट आपका 360 किधर गया हमको दिखाइएगा, बताइएगा। और सर जी आप अपने पेट से बात नहीं करते क्या, अपने डुक्कर से बात कीजिएगा थोड़ी बहुत,
उसको भी डर लगता होगा ना वैम्पायर का, वैम्पायर के सामने वो जा रहा है अकेला अकेला, उसको भी डर लगता होगा। प्रतीक स्मार्ट ओपी ग्लू वॉल। और वैम्पायर, वैम्पायर सर जी आप तो अब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चालू है वैम्पायर के दिमाग के अंदर कि अब भी जीतने का है मेरे को, कैसे भी सर जी कैसे भी मेरे को जीतना है। और वैम्पायर अगर क्या सोच रहे होंगे सर जी, आप लोग कमेंट में बता दीजिए वैम्पायर क्या सोचेंगे। यहाँ पर ओपी ग्लू वॉल सर जी, इमोट, इमोट डांस, प्रतीक स्मार्ट का ओपी वाला इमोट दिखाता सर जी हमको, इमोट डांस कर रहे हैं प्रतीक स्मार्ट, बता रहे हैं हमको, खुद की डीएमडी गेमिंग की वीडियो को प्रमोशन कर रहे हैं सर जी, डीएमडी गेमिंग की वीडियो को प्रमोट कीजिएगा आप, इमोट मार के मारिएगा, मजा आएगा। यहाँ पर डैमेज और ओपी ग्लू वॉल, डैमेज भी पड़ा, ओपी ग्लू वॉल भी लग गई, इसको बोलते हैं ओपी गेम प्ले। और वैम्पायर को अभी मैच हारनी नहीं है, वैम्पायर को मैच जीतने रश मत कीजिएगा वैम्पायर। वैम्पायर सर जी, ओ भाई अरे बाप रे सर जी, अरे भाई साहब क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार, पूरे हालात बदल दिए सर जी, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जुनून बदल दिए, मैच का रुख बदल दिया। क्योंकि एक तरफ मैच अगर जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई अभी प्रतीक स्मार्ट जीत जाएगा, दूसरी तरफ मैच जैसे ही खींचती है हम बोलते हैं कि हाँ भाई अभी वैम्पायर भी है टक्कर में है, गेम प्ले अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, गेम ख़त्म नहीं हुआ सर जी, वैम्पायर गेम के अंदर बने। अब लगता है वैम्पायर को एक और राउंड जीतना पड़ेगा। और क्या लगता है, क्या लगता है आप सभी लोगों को कि प्रतीक स्मार्ट मौका देंगे वैम्पायर को जीतने का, बता दीजिए कि क्या मौका देंगे प्रतीक स्मार्ट। क्योंकि एक गोली साहब जी, दो राउंड में तो वैम्पायर दो गोली सर जी, एक गोली के बचे 15 और 16 एक्सपी बची है किसकी, वैम्पायर की सर जी, क्या हो रहा है वैम्पायर का आज हमको फिर भी ओरिजिनल गेम प्ले दिख रहा नहीं है सर जी। जो गेम प्ले आपने दिखाया था हमको 7-1 का, वो काफ़ी खतरनाक था, इससे बहुत ओपी लेवल वाला था। आज ऐसा लग रहा है वैम्पायर का हाथ बैठा नहीं है सर जी, लेकिन हाथ बिठा लीजिएगा क्योंकि अगर ये राउंड आप हार जाते हो ना, मौका नहीं मिलेगा आपको। और प्रतीक स्मार्ट सर जी ग्लू वॉल किधर लगाई है और गेम प्ले किधर और दिखा रहा है, ये इसको बोलते हैं दिमाग सर जी। अब वैम्पायर को लग रहा है कि वो ग्लू वॉल के पीछे, लेकिन प्रतीक स्मार्ट ओरिजिनल ग्लू वॉल के पीछे है ही नहीं, इसको बोलते ओरिजिनल ओपी वाला दिमाग, इसको बोलते कंफ्यूज करना, इसको बोलते सस्ते नशे सर जी, बहुत खतरनाक ओपी, एकदम ओपी गाइस, एकदम ओपी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो डीएमडी गेमिंग को, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप मुझे मालूम है आप लोग करेंगे तो ज़रूर कीजिए। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है ना सर जी कि आप उसको सब्सक्राइब करें, ज़रूर करना चाहिए, फ्री में करना चाहिए सर जी, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, फ्री में होता है सर जी ये सब, फ्री में होता है, फ्री का माल नहीं छोड़ते, बहुत लोग हैं हमारे इंडियंस कल्चर में ऐसा दिखा कि फ्री का माल कोई नहीं छोड़ता, तो फ्री का डीएमडी गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो, क्यों छोड़ते हो सर जी, कर दो ना, एकदम ओपी वाला मज़ा आ जाएगा मेरे को। और वैम्पायर, वैम्पायर सर जी आप होल्ड ऑन कर रहे हैं सर जी, होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर शायद जाएंगे अभी बाहर सर जी। वैम्पायर साहब आप कर रहे क्या हो, इतना मौका नहीं देना चाहिए एनिमी को। प्रतीक स्मार्ट है किधर सर जी, प्रतीक स्मार्ट बहुत पास है वैम्पायर के, वैम्पायर सर जी पीछे देख लीजिएगा अभी आप, वैम्पायर सर जी, ओ भाई साहब फेंस के पीछे, फेंस के पीछे ये देख लीजिए, ओ भाई साहब सीधा सीधा सामने सर जी, जोन का भी इशू है सर जी, एक गोली के मैच खत्म नहीं होना चाहिए, मैच हो गया खत्म। सर जी मैच हो गया खत्म 7-5 से, प्रतीक स्मार्ट का ओपी वाला गेम प्ले दिख गया 2004 का, डैमेज मारा प्रतीक स्मार्ट ने 7-5 से, मैच की समाप्त। और अगर आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया, वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए डीएमडी गेमिंग को। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस इतना बोलूँगा प्रतीक स्मार्ट का तई जहर गेम प्ले और बदला चुका लिया सर जी, वो बोलते हैं ना बदला ले लिया, वही किया। और वैम्पायर साहब बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बहुत अच्छा गेम प्ले था आपका भी, मैच कड़क थी, मज़ा आ गया। तो जी हाँ गाइस, तब तक के लिए सी यू टिल देन, मज़े कीजिएगा। और जी हाँ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका फोन बज रहा है।